उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु एवं लोगों को मतदान के प्रति आकर्षित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मथुरा नगर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में जिला निर्वाचन विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के महत्व के बारे में बताया, तो वहीं गीत के माध्यम से इन लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया। भारत देश महान है, भारत देश महान है, करते सब मतदान है, करते सब मतदान है। अपने सबकी जिम्मेदारी आम चुनाव की है तैयारी। प्रजातंत्र से नाता है क्योंकि हम मतदाता है। जो बांटे सारे दारू नोट उसे कभी नहीं देंगे वोट। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। कर्तव्यों से कोई न रूठे, किसी का वोट कभी न छूटे। प्रजातंत्र से नाता है क्योंकि हम मतदाता है। चुनाव है लोकतंत्र, इसका सम्मान। भारत देश महान है, करते हम मतदान है। जन जन की यही पुकार, वोट देना आपकी बार। जिंदा रहे चाहे जान जाए, वोट उसी को दो जो काम आए। अरे तू घर का काम करती है, तूने क्या ये समझ लिया है किसी बिजनेस में हिस्सा ले लिया है? तुझे नहीं लगता इस देश के नागरिक होने के बावजूद हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं और हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए? बस तुम ही तो बचे हो इस देश और दुनिया के बारे में सोचने। अरे हमारे बारे में कोई नहीं सोचता था, तुम इस दुनिया के बारे में क्यों सोच रही हो? अरे चुप कर, जब तू ही देश और देश के लोगों के बारे में नहीं सोचेगी तो तेरे बारे में कौन सोचेगा? हमारे देश के संविधान ने हमें सबसे बड़ा अधिकार दिया है, मत देने का अधिकार। क्या तुझे नहीं लगता हमें भी वोट देने जाना चाहिए? मुझे वोट डालने से क्या फायदा होगा? अरे तू वोट डालने जाएगी, तुझे वोट डालने से बहुत फायदा होगा। अगर देश में एक अच्छी सरकार होगी, घर घर में अच्छे पानी की सुविधा होगी और तू ये घर में LPG सिलेंडर यूज करती है, वो तुझको सस्ते दामों में मिलेंगे और मतदान करने से बहुत लाभ मिलते हैं। तू मतदान करने जरूर जाइयो मेरे साथ। अच्छा तो इस मतदान से इतना कुछ होता है? अरे मैं तो ये समझती थी पहचान पत्र उठाया वोट देने के लिए लाइन में लग गए। अरे तो पहले तुम घाम मर गए थे, मेरे को क्यों नहीं बताया था पहले से ही? मेरे को जब से बताते, मुझे क्या पता इतना सब कुछ होता है। मैं बिल्कुल चलूंगी आपके साथ, ठीक है चलते हैं हम। इस अवसर पर SDM नीलम सक्सेना, प्रधानाचार्य साजिद इकबाल एवं नीतू सिंह ने जानकारी दी। कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते तो हम लोग इस शासन प्रशासन सब इसमें लगा हुआ है कि हम मतदान का मूल्य समझें, लोगों को अवेयर करें कि वो अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार कहीं 33% मतदान हुआ है, कहीं 65% हुआ है, तो बाकी लोग क्यों नहीं करते? ये जो एक चीज़ और भी है कि एथिकल वोटिंग, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमको सरकार बनानी है। और ये बहुत प्रसन्नता का भी विषय है कि हमको ये अधिकार मिला है और भारत जैसे देश में ये मिलना बहुत बड़ी बात है कि हमको मिला है कि हम अपने आप से चयन कर सकते हैं। उसके बाद भी हम लोग जिस दिन मतदान होता है उस दिन हम उसको हॉलीडे मान लेते हैं और घर पे ही रहते हैं। तो और उसमें भी ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज़ से बचते हैं, अरे कौन जाएगा, लाइन में लगेगा। तो बस ये एक प्रयास है कि हम लोगों को अवेयर करें और अधिक से अधिक लोग मतदान करें ताकि हम एक सही सरकार को, सही विकल्प को चुनकर लेकर आएँ जो हमारे राष्ट्र की प्रगति में हमारा काम करे, हमारा सही। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि देश का जो भी सरकार चलाती है तो वहाँ पे उचित प्रतिनिधियों का चुना जाना बहुत आवश्यक है। तो इसका प्रचार प्रसार सरकार विभिन्न माध्यम से कर रही है, तो इसमें सारे इंटर कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों का एक हम लोग एक एजेंट के रूप में यूज़ करके लोगों को बताना चाहते हैं कि मतदान का कितना बड़ा महत्व है। और जब तक आदमी मतदान नहीं करेगा तब तक सही प्रतिनिधि चुनकर सरकार में नहीं आ पाएंगे। देखिए चुनावी माहौल है आज देश में, हमारे में प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, क्या तो हम अपने कॉलेज में इस मंच के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये वोट कितना कीमती है। कुछ लोग जो है आलस में आकर ये वोट नहीं देते हैं और दिमाग में ये रहता है कि हमारे वोट देने से क्या होगा। तो बच्चियों ने जो हमारे यहाँ पर नुक्कड़ नाटक तैयार किए हैं उसका मकसद यही है कि एक वोट हमारे देश और प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है।